बिना सलाह किए आप कनक को इस घर में ले आए। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सालों बाद इसे इस घर से निकाल रहे हैं। कारण बताना होगा रुद्रा। हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको। हमसे कुछ कहना चाहते थे? हम कनक को इसलिए घर से निकालना चाहते हैं क्योंकि वो क्या रुद्रा? वो एक इच्छाधारी नागिन है। नागिन है। इस तरह से नहीं रोक पाए। अमृता, क्या हुआ? बात क्या है? अर्जुनी सही नहीं है। सुबह ऑफिस ना जाने के बहाने आप ढूंढ गए, और आज जब हम चाहते थे आप हमारे साथ हैं, आप हमारी बात नहीं माने। ये दीदी की बात नहीं मानेंगे हम, ये बिल्कुल सही नहीं है। अमृता, क्या हो गया तुम्हें? जाइए, हम आपसे कुछ नहीं, आपको नहीं रोकेंगे। जो करना चाहे जाने आप जाए। आज आपने हमें एहसास दिला दिया कि हमें ये हक भी नहीं कि हम आपको रोक सकें। मृताल, देखो, 2 महीने से हम एक डील के पीछे पड़े हुए थे। अब वो डील फाइनल होने वाली है। अब आप ही बताइए, हम ऑफिस ना जाएं? कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके आंसू नहीं देख सकते। अब यही चाहती हैं हम ऑफिस ना जाएं? हम नहीं जाएंगे। जिंदगी भर आपके पास ऐसी बैठे रहेंगे। हम जानते थे आप हमारी बात नहीं था। रुद्रा को उस वक्त मारा जा सकता है जब सूर्यास्त हो और आसमान भरे भरे, उस वक्त मारा जा सकता है। सूर्यास्त हो गया और हम आपकी मौत बनकर आ रहे हैं। कनक, कहाँ जा रहे हैं आप? जब सब जानती है तो पूछ क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों कर रही है कनक? बेटा, माफ कर देने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। हम कोई पुण्य आत्मा नहीं है। हम चाह कर भी उन 10 सालों को नहीं भुला सकते जिन्हें हमने रुद्रा की कैद में गुजारा है। पल पल हमने सिर्फ एक ही तमन्ना की है,
और वो है रुद्रा की माँ। करण, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे बेटा। हट जाइए हमारे रास्ते से। नहीं कनक, नहीं। हमारा रिश्ता माँ बेटी का जरूर, लेकिन इतने सालों की दूरियों ने उतनी भावनाएं पैदा नहीं की कि हम आपकी हर एक बात माने। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप छोड़िए हमें। हमने आपसे कहा था कि आपकी किस्मत में सिर्फ दो ही संतान है। अब हम दोनों में से आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसके जीने की दुआ मांगिए। नहीं, अब हमें नहीं कर सकते। हमें कोई नहीं रोक सकता। जी हमारे रास्ते से। कनक, कनक बेटा, हमारी ममता की परीक्षा मत लीजिए बेटा। आज तो आपने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि एक इच्छाधारी नागिन जब बदला लेने पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रुद्रा को मारने का इरादा बदल दिया। स्वागत है अमृता इस नागलोक के रंगशाला में। तुम्हारा स्वागत है अमृता। रुको! हम जानते हैं तुनान लोग पे हमारी जान को खतरा है, लेकिन अर्जुन की जान बचाने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मजबूरी आ गई जो कनिष्क जैसे दुश्मन से तुम यहाँ तक मिलने चली आए। हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक बार तुमने हमारी जान बचाई थी और हम एहसान फरामोश नहीं, इसीलिए कह रहे हैं हमारा रास्ता छोड़ दो। एहसान मान ही रहे हो तो चलो थोड़ा और एहसान जता देती हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सुरक्षा हमने सिर्फ गठबंधन पूजा के दिन ही नहीं की थी, बल्कि तुम्हारी शादी से लेकर अब तक हम ही तुम्हें बचाने आए हैं। और सच कहे तो तुम्हें बचाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्यों बचाना? क्योंकि नागलोक में कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना तुम्हें जरूर बता दूं कि जिस दिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी, हम तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। हमारे दुश्मनों के भी वो दोस्त कौन है जो हमारी मदद करना चाहते हैं? जाओ यहाँ से। नान लोक में हमारे मेहमान आए। सचिन तो ले, वो यहाँ आए क्यों है? हम ये तो जान गए कि तुम अर्जुन को मारना चाहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो तुम ये जानने आई? नहीं, चेतावनी देने आए हैं तुम्हें। पहले भी कई बार हमने तुम्हें बख्श दिया था,
लेकिन इस बार नहीं। अर्जुन हमारे पति है कनिष्क, अगर उन्हें खरोच भी आई ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कनिष्क तो करने की ठान लेता है वो करके रहता है। तुम तो क्या, त्रिनाल लोक में से किसी ने भी अर्जुन की तरफ उंगली तक उठाई ना तो हम तबाही मचा देंगे, खत्म कर देंगे हम इस लोक को। मैं प्यार करती हूँ अर्जुन से, वो हमारी जिंदगी है, हमारी सारी खुशियां उनसे जुड़ी हुई है। और अगर तुम लोगों ने हमारी खुशियों की तरफ नजर उठाकर भी देखी तो यहाँ जलजल आ जाए। त्रिनाल लोक तो क्या, इस लोक का नाम लेने वाला कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। और ये कोई धमकी नहीं है, एक बार अच्छी तरह से समझ लो, हम ऐसा करके रहेंगे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आई अमृता। अब चाहे जो हो जाए मैं अर्जुन को ठस के रहूंगा। आपको बिजनेस की बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों भाइयों ने सारा जिम्मा अपने कंधे में उठा लिया। हाँ आज हम ऑफिस नहीं गए थे, लेकिन हमने भाई साहब से बात करी और उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब आप ऑफिस आएंगे ना तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बैग जानते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, ठीक है जा रहे, अब आप भी सो जाए। हम जानते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अर्जुन तक पहुंचने के कई रास्ते ढूंढ निकाले थे, लेकिन एक बात याद, हर रास्ते हम तुम्हें खड़े रहे, इस बार तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। आपका इंतजार कर रहे थे अमृता। हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं अर्जुन, परेशान नहीं है, हम बस थक गए हैं, रात को ठीक से नींद नहीं पूरी हुई थी, चलिए सो जाते हैं। भाई आपके नींद चुराने का गुनाह तो हमने किया है, अब हम ही आपको सुलाएंगे। कोई शरारत नहीं, जो हुक्म मेरे आकर। अब चलिए सब जाके सोइए। क्या बात है, आपको तो हम सुलाने वाले थे और आप हमें सुला रहे। चुपचाप सो जाए। अर्जुन को कोई जान से मारना चाहता है, कनिष्क को उसकी जान देने वाला है।
सचिन को तुम्हें छुआ भी तो तुम जिंदा रहे छोड़ेगी हकीकत भी हो सकता है हमें हमें सावधान रहना होगा अच्छा वहां आके हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं बालिका की भविष्यवाणी कहती है कि हमारा दुश्मन कनिष्क अर्जुन को डस देगा और उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है लेकिन कनिष्क ऐसा क्यों करना चाहते हैं उसके दुश्मनी तो हमसे है कसूर है आपको हमारी मदद करनी होगी वो डब्बा जिसमें जिसमें मरी हमें मिल गया लेकिन वो शब्द हम नहीं जानते जिससे मणि हमें हासिल हो सकती है अर्जुन की रक्षा करने के लिए हमें मणि की सख्त जरूरत है हमारा मकसद कुछ और है लेकिन आप हमारे पति हैं सुहाग है आप पर कोई आंच नहीं आती मरते दम तक आपकी सुरक्षा करेंगे कोई भी आपकी तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे नहीं छोड़ेंगे उसे अर्जुन और अमृता को बुला लाना आज उनकी पहली सुहाग पूजा है शुरू करिए Thank you.
क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? हमारा मंगलसूत्र टूट कर दिखा। रोइए मत बेटा, हम आपके लिए नया मंगलसूत्र बनवा देंगे। बेटा, मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, सिर्फ निशानी बेटा। मंगलसूत्र की लड़ियां बिखर जाने से जिंदगी की लड़ियां नहीं बिखरती बेटा। मत डरिए, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। जा रही थी आपके लिए ये पाप, हमारे लिए हमारी जिंदगी का मकसद। कनक, ये सब क्या है मासा? कुछ नहीं रुद्रा, कनक आपके लिए दूध लेकर आ रही थी, हमने देखा नहीं, हम टकरा गए और सारा दूध गिर गया। आप रुकिए, हम दूसरा ग्लास भेजते हैं। याद रखिए, जितना प्यार हम आपसे करते हैं उतना ही प्यार हम रुद्रा से भी करते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे और हम उन्हें छोड़ेंगे। देखते देखते आप उन्हें बचाने में कामयाब होते हैं या हम उन्हें शांत होने तक हमें उस पर नजर रखनी होगी। लेकिन क्या हम एक नागिन को
उसका बदला लेने से रोक पाएंगे? स्नेहा भाभी साहब, आपने अर्जुन को कहीं देखा है? हाँ, क्यों? हमें उनसे कुछ काम है। हमने उन्हें राहुल और अंजलि को लाने के लिए बस स्टॉप भेजा। अकेला है, यही सही वक्त है उसे डसने का। किसी मुसीबत के अर्जुन तक पहुंचने से पहले हमें उन तक पहुंचा दीजिए।
बंद कर देता है। हमारे होते हुए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको जो भी चाहिए हमसे कहा कीजिए ना। वैसे अच्छा लगता है जब आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन आजकल आप हमारी कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। बात क्या है? कुछ नहीं, प्यार है। प्यार नहीं, आप तो हमारा ख्याल ऐसे रखती हैं जैसे हम मरने वाले हैं और आप हमारी जान रखती हैं। अर्जुन, ऐसी बातें और फिर कभी मत कीजिए। आपको हमारी कसम है। जब सी अदाएं हैं हो आंखों में तेरी, अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। Thank you.
अमृता क्या हुआ? अर्जुन! अमृता बताओ क्या हुआ? आप उस फोन की क्यों नहीं भाभी से? क्या हुआ अर्जुन को? भाभी साहब, अर्जुन को नाक में डस्ट लिया दादी से, डस्ट लिया दादी। कनक नहीं तो ये कहा? उसी इच्छाधारी नागिन का है। अर्जुन, हे भगवान, अर्जुन! अमृता ये आप क्या कर रही? जहर आपके शरीर में चला जाएगा। अमृता अपने आप को संभालिए। अमृता ये आप क्या कर रहे हो बेटा? अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को नाग में काट दिया है। अर्जुन, हम जहर नहीं निकाल पा रहे, ये तो विशेष जहर। कनिष्क ने बहुत सोच समझ कर ये किया है। हमें इस जहर की काट लानी हो और वो गोहे की जगह मिल सकती है। अर्जुन, काका जी, हमें अर्जुन को हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। आइए उठाइए अर्जुन को। रुक जाओ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि जहर कैसे निकाला जाए। अर्जुन, अर्जुन! से भले दो, कल रात 8 बजे बिग मैजिक पर। हाँ कात्यायनी, हमें धामी सांग विष की कार्ड चाहिए। हाँ, धामी सांग विष। हमारी मदद कीजिए कात्यायनी, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अपने के पास सब कुछ मिल सकता है, अरे इन धामी सांग जहर की कार्ड, उसका इलाज भगवान। क्या हो गया हमारे बच्चे को? क्या बिना है हमने नाग नागिन को? अगर क्यों ये हमारे सुहागा बच्चे के पीछे पड़े? बस हमारी बात मानी, हमें तुरंत अर्जुन को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कुछ भी करिए, बस हमारे बच्चे को बचा लीजिए। बाबू साहब, आप सब कमरे से बाहर जाइए। अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबू साहब, हम अर्जुन को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब हम अर्जुन के लिए ही कर रहे हैं। चलिए बाहर चलिए, चलिए आप लोग। रुद्रा, आज तक आपका जो काम हम नापसंद करते थे, आज हम उसी काम का वास्ता देते हैं आपको। अपनी सारी शक्तियां, सारे ज्ञान इस्तेमाल करिए, लेकिन हमारे अर्जुन को अच्छा कर दीजिए बस। हमारे अर्जुन, हम अर्जुन को कुछ नहीं होते, बचा लीजिए। साहब भाई मत,
सब ठीक हो जाएगा। लगता है जरूर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होगा। कौन है भाई? हमें कहती है नी। तुम फिर आ गए। हाँ कहती है नी, हमें धमी सांग विष की कार्ड चाहिए। हाँ धमी सांग विष हमारी मदद कीजिए कात्यायनी, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सुने और समझ ले, आज के जिंदगी और मौत के खेल में जीत मौत के लिए। ऐसा मत कहिए, आपके पास तो सब मिलते हैं ना। हाँ हो सकता है, हो सकता था कात्यायनी के पास सब कुछ मिल सकता है, लेकिन धमी सांग जहर की काट उसका इलाज अभी तक इन धरती पर नहीं है। धमी सांग ये तो त्रिनानलोक का शहर। अर्जुन के शरीर में कैसे? मनी हमें मिल गई है, पर आपको बचाने के लिए कनिष्क को मारना होगा, वरना वो फिर ऐसी कोशिश जरूर करेगा। आपकी जिंदगी कनिष्क की मौत पर निर्भर है।